नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या न्यूक्लियर अटैक की पूरी तैयारी कर चुका है रूस? वैगनर के बढ़ते प्रभाव से परेशान अमेरिका का क्या है अगला प्लान? और क्या साउथ कोरिया में टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैयारी में अमेरिका? परमाणु युद्ध के खतरों से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। रूस सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हेड और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर है और परमाणु टकराव का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हमारे विरोधी ये नहीं समझे कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोरियाई प्रायद्वीप में जारी टेंशन के बीच अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बड़ा बयान दिया है। जॉन बोल्टन ने कहा कि अमेरिका को साउथ कोरिया में फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करना चाहिए। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रूस हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन का इस्तेमाल कर सकता है। जिरकोन मिसाइल बेहद खतरनाक है और इसके इस्तेमाल से भारी तबाही हो सकती है। रूस और ईरान की तरफ से जारी मदद को लेकर अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान कैस्पियन सी के रास्ते रूस को हथियार और गोला बारूद भेज रहा है। समंदर के रास्ते ईरान अब तक 3 लाख से ज्यादा आर्टिलरी शेल और गोला बारूद भेज चुका है। अमेरिका को यूक्रेन की हार का डर सता रहा है। जर्मन न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है, अमेरिका को डर लग रहा है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक फेल हो सकता है। बाइडेन प्रशासन ने हार होने पर विकल्प की तैयारी में जुटा है। यूक्रेन के एयर अटैक को रूस ने नाकाम कर दिया। S-300V एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम से पलटवार कर रूस ने यूक्रेनी मिसाइल को तबाह कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया है। रूस के युद्धक वाहन पर यूक्रेन ने जबरदस्त अटैक किया। यूक्रेनी हमले में रूसी वाहन पूरी तरह तबाह हो गया। आर्टिलरी अटैक में रूसी युद्धक वाहन के परखच्चे उड़ गए। हमले की तस्वीर ड्रोन कैमरे में कैद हो गई। अफ्रीका में वैगनर के बढ़ते प्रभाव से परेशान अमेरिका बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। लीक दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि अमेरिका वैगनर अधिकारियों को मारने का प्लान बना रहा है। यूक्रेनी सेना की मदद से वैगनर्स का सफाया करने की तैयारी है। यूक्रेन में मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम BM-21 साल्वो से रूसी इलाकों पर बारूदी बौछार की गई है। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान की खबर। इस दौरान यूक्रेनी सैनिक इतने खुश हैं कि जैसे उन्होंने हमले में रूस का काफी कुछ बर्बाद कर दिया।